कि भाई नौजवानों के लिए किस तरह से काम हो रहा है? देखिए, युवाओं को हमें आगे लेके जाना है। हिंदुस्तान एक युवा देश है। हमारी 55% आबादी 25 वर्ष के युवाओं से कम है और इन्हीं के ऊपर कंधों पे देश का भविष्य है। तो लगातार हम प्रयास करते हैं कि युवाओं को हम कैसे आगे ले जाएं। और खेल सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। जितना युवा फिट रहेगा, जितना मेंटली अलर्ट रहेगा, जितना निर्णय लेने की क्षमता रहेगी, जितना जैसे खेल में सबसे ज़्यादा निर्णय लेने की क्षमता होती, जितना ये बढ़ेगी उतना ही बच्चे विकास करेंगे, जितना ये आगे बढ़ेंगे देश आगे बढ़ेगा। इसीलिए लगातार सरोजनी नगर स्पोर्ट्स लीग चल रही है। पहले सरोजनी नगर का यहाँ इसी मैदान में SKD एकेडमी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्हीं के मैदान में पहले बास्केटबॉल टूर्नामेंट हुआ, फिर उसके बाद क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ, फिर अब वॉलीबॉल हो रहा है। लगातार स्पोर्ट्स लीग चल रही है और ये चलती रहेगी। युवा जो खेल रहा है, जिसको पुरस्कार मिल रहा है, उसमें आत्मविश्वास आता है, आत्मविश्वास जागृत होता है। आत्मविश्वास बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना इनमें आत्मविश्वास जागृत होगा उतना ही ये लाइफ में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं। नगर को आपने जो है खेल का हब बना दिया है, कैसे देखते हैं और लोगों की क्या प्रेरणा है? नहीं, मेरा तो प्रयास है कि सरोजनी नगर को एक स्पोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूएंसी के रूप में जाना जाए। लगातार खेल चलते रहे और अवसर बच्चों को मिलते रहे और बच्चों को हम लोग पुरस्कृत करते रहे, प्रोत्साहित करते रहे, आगे बढ़ाते रहे। और इसको हमें खेल हब के रूप में ही विकास करना है। स्वामी प्रसाद अपनी जो है जबान बाज नहीं आ रहे, फिर तरह तरह के वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। उनका स्थान मुझे लगता है किसी मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए। उनको कौन लोग सुनते हैं, मैं क्या अपने घर में गठबंधन कहीं ना कहीं ठगबंधन नजर आ रहा है। नहीं, गठबंधन की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। जब तक आइडियोलॉजी नहीं होती तब तक लोग साथ नहीं आते। ये एक समूह है जो अपने व्यक्तिगत इंटरेस्ट के कारण इकट्ठा हुआ था और वापस ऐसे ही बिखर जाएगा। ये चलने वाला नहीं है। पहले भी ये लोग इस तरह का प्रयास कर चुके हैं, चुनाव लड़े हैं, चुनाव हारे, आगे भी चुनाव लड़ेंगे, हारेंगे। मोदी जी की गारंटी, मोदी जी पे, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पे जनता को अपार विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे अपार विश्वास है, इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हार जीत अपनी जगह पर, जो लोग के हार जाते हैं उनके लिए क्या करना चाहिए? नहीं नहीं बिल्कुल फिर से लड़ना चाहिए। लड़ने के लिए हर समय आप लड़ते और हारते अपने आप से, आपको हमेशा अपने को इम्प्रूव करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं मुड़के देखना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू।